हेलो, हम जिस जगह में खड़े हैं ये महाराष्ट्र का एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डालिम की खेती किया जाता है और काफ़ी पॉपुलर खेती। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्री हैं। अगर आप इधर आके दिखाएंगे तो सो मेनी ट्री देयर और ट्री में डालिम लगते हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी छोटा डालिम, अभी तक पका नहीं है, धीरे धीरे ये पकेगा। और ये इतने बड़े बड़े डालिम होते हैं, मतलब इसका दो गुना अभी बढ़ने वाला है। और फिर ये मार्केट में यहाँ से तोड़ के और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा है वो एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री में, जो नॉर्मल होता है इंडिया में बेचा जाता है। उसे खेती को मेहनत में, ये खेती में मेहनत करके ही उगाया जाता है। एक आदमी दिन भर ये खेती में रहता है और जिसका ख्याल करता है। इसमें कीटनाशक है वो सब डाला जाता है और बहुत ही कम लागत में खेती होती है। जिसके पास भी अगर जगह है और जो बेस्ट ऑफ जगह पड़ा हुआ है वहाँ पर आप डालिम की खेती कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मनी आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। क्योंकि ये खेती में कोई ऐसा उपजाऊ जमीन की ज़रूरत नहीं है। ये हिल स्टेशन में भी खेती होती है जहाँ पे कम पानी की खेती भी कर सकते हैं। तो यही बोलूँगा कि आप लोग एक बार इस खेती की डिग्री लेनी चाहिए और आप कुछ ज़्यादा इनकम सोर्स कमाने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हुआ है। सो ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और मज़ा आया। आई होप कि आपके लाइफ में कुछ आगे डालिम को खेती करना है तो अगर आप डेवलप कर सकते हैं और यहाँ से सीख ले सकते हैं। दैट्स ग्रेट।